आज हम आप लोगों को कहानी आन मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज की बताने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले जो है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज हम पढ़ा चुके हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप उठा के देखिए। तो जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेज का, कॉम्बिनेशन वो तीन तरीके का था। एक कॉम्बिनेशन सीरीज था, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा जो है, ये सब बता चुका हूं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या है कि दोनों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएंगे, बस इसी पर आपको आज हम प्रॉब्लम बताएंगे। देखिए, हमने आपको बताया था, अच्छी तरह बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए यहां पर थ्री रेजिस्टेंसेज जो भी, ये देखिए ये आपका क्या है, सीरीज में जुड़े हैं। देखिए ये कहां जुड़े हैं, सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, बार बार मैं उस वीडियो को देखिए, और मैंने बताया था कि जब यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चले तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में बहे वही करंट यहां भी, और सेम करंट तीनों रेजिस्टेंसेज में अगर फ्लो कर रहा है तो द रेजिस्टेंसेज विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए, जब करंट का जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर करंट का होगा तो वो जो है पैरेलल में आ जाएगा। बस जैसे सपोज करिए यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये देखिए यहां पर से करंट चला, यहां से करंट चला, और करंट कुछ इधर गया कुछ इधर गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो गया, बट जो भी करंट यहां गया इधर, ये देखिए उतना ही करंट इसमें भी फ्लो होगा, उतना ही इसमें भी उतना ही, इसलिए ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। इनको क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, हमने बताया था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, वेरी इजी। तो सपोज करिए दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम, तो आर इक्विवेलेंट टोटल, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में नहीं, ये सपोज करिए आर डैश है, सपोज करिए आर डैश है, तो आर डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5, तो दैट इज योर 10 ओम, दैट इज योर 10 ओम। सपोज करिए यहां भी एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो देखिए अब मैं बार बार आपसे कहूंगा कि देखिए 2 ओम 3 ओम 5 ओम के तीन रेजिस्टेंस थे, थ्री रेजिस्टेंस, आप क्या है अगर यहां पर जो है 10 ओम का एक ही रेजिस्टेंस लगा दें तो दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है, मतलब ये कन्वर्ट हो गया 10 ओम में। तो अब यहां पर देखिए यहां से जो करंट जो है फ्लो हुआ इधर भी गया और इधर भी गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था, खूब अच्छी तरह बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं, 1/r, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देखिए ये मैं बता चुका हूं, इसके अलावा एक फार्मूला और मैं बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंसेज जो है पैरेलल में जुड़े हों तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 × r2 / r1 + r2, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देखिए हमारे कहने का मतलब, जो ये जो आर डैश की वैल्यू आई है वो 10 ओम है, 10 ओम है, यहां पर कोई बात नहीं है, हम उसको आर डैश लिख दे रहे हैं, बस
ये आपका सपोज करिए आर डबल डैश है, आर डबल डैश तो यहां पर हो जाएगा आर डबल डैश, यहां पर आर डैश और यहां पर हो जाएगा आर डबल डैश, बस तारिक वैलेंट आपका क्या निकला 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10, बस कितना हुआ 100, 100 अपान 20, 100 अपान 20, तो जो सर्किट का जो है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया दैट इज 5 ओम। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यही सवाल लगाने का तरीका है। सबसे पहले आप जो सीरीज में कनेक्टेड तीन रेजिस्टेंसेस थे R1, R2, R3 को आप जो है जोड़ लीजिए, जोड़ करके दैट इज आर डैश, दैट इज आर डैश। जो दूसरा जो रेजिस्टेंस नीचे जुड़ा है दैट इज आर डबल डैश, बस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डैश इनटू आर डबल डैश अपॉन आर डैश प्लस आर डबल डैश, बस इससे निकल जाता है। सपोज करिए आप आर इक्विवेलेंट, अगर उस फार्मूला का यूज नहीं करना चाहते तो 1/10 + 1/10 बातें की हुआ, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/10, तो 2/10 ये क्या हो गया 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू देखिए 5। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपसे ये कहा था कि अगर टू रेजिस्टेंस जुड़े हो तो आपको सवाल को फ्रैक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है, इसे इस तरह से लगा दीजिए। तो हमारा जो है मकसद ये है, आज जो मैं बता रहा हूं मिक्स कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें जो है आपका कुछ प्रॉब्लम सीरीज में भी, कुछ रेजिस्टेंसेज सीरीज में होंगे और कुछ रेजिस्टेंसेज पैरेलल में होंगे। अब आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी आपने देखा एक सवाल, मैं दूसरा सवाल बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये आपका कोई सर्किट डायग्राम है, देखिए बार बार मेरा कहना है कि घबराया नहीं जाता है, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम होता है, वेरी इजी। देखिए आपको मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, सर्किट डायग्राम में अब जो है ये बताना चाह रहा हूं कि इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वेरी वेरी इजी। मैंने बहुत ज्यादा ले लिया रेजिस्टेंसेस, सपोज करिए 2 ओम 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 2 ओम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने जो है पी वर्मा ने क्यों सब 2 2 2 ओम लिया, बस इजी के लिए, और कोई बात नहीं है, आपको तरीका मैं सिखा रहा हूं, आपको मैं सवाल लगाने का तरीका सिखा रहा हूं। देखिए जैसे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और एक और चीज निकालना है, सपोज करिए यहां पर जो 10 वोल्ट भी की वैल्यू 10 वोल्ट दे दिया है, इसने कहा कि जो है सर्किट में जो करंट बैटरी के द्वारा फ्लो हो रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। अब बताइए करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो V जो है आपका 10 वोल्ट है, अगर R आपको नहीं पता होगा तो कैसे जो है आप सवाल लगा पाएंगे, तब करंट की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि देखिए यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां देखिए सारे जो है कहीं भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये सब सीरीज में है, बट यहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो आप क्या करिए, इसका और इसका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन मानते हुए, सपोज करिए यहां का जो
यहां यहां जो है इसका इक्विवेलेंट r डैश है, तो r डैश इज इक्वल टू 2 into 2 upon 2 plus 2, मैं बता चुका हूं, तो 4 upon 4, तो ये कितना हो गया 1 ohm। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पर अगर 1 ohm का रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो पैरेलल के 2 2 ohm के इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए इसका मतलब देखिए ये सब सीरीज में हो गए। अब यहां का भी इक्विवेलेंट आप निकाल दीजिए, इसको सपोज करिए आप मान लीजिए r डबल डैश, तो r डबल डैश इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 2 इनटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज योर 4 अपॉन 4 दैट इज 1 ओम। तो यहां भी आपका ये जो कंबाइंड जो रेजिस्टेंस आया इक्विवेलेंट यहां का तो 1 ओम आया। अब देखिए ये आपका r डबल डैश है, ये आपका r डैश है, बस इसको आप मान लीजिए r1, इसको मान लीजिए इसकी यहां से शुरू करें, यहां r1, दिस इज r2 और दिस इज r3, दिस इज r4 और दिस इज r डबल डैश। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r डैश प्लस r4 प्लस r डबल डैश। बस अब आप इसकी टोटल वैल्यू लिख दीजिए, r1 2 है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, बस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ 2 2 4 6 7 2 9 10, ये कितना आ गया 10 ओम। वेरी इजी। अब जो है यहां पर जो हमारा जो वैल्यू था, बात को समझिए, यहां जो वैल्यू r की वैल्यू 10 आ गया, तो 10 से 10 कट गया तो i की वैल्यू क्या आ गई 1 एम्पियर। वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी वेरी इजी। हमने क्या किया, यहां दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में थे उनको कंबाइंड करके सिंगल रेजिस्टेंस में बदल लिया, यहां दो रेजिस्टेंसेस कंबाइंड करके पैरेलल थे उनको भी सिंगल बना दिया, और सारे देखिए रेजिस्टेंसेस क्या हो गए सीरीज में हो गए। और सीरीज कनेक्शन का जो है हम बार बार बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 जो भी हो जितने रेजिस्टेंसेस होंगे सब के सब जो है रेजिस्टेंसेस का सम हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग दो सवाल जितना जो भी बताया गया उसको आप समझ गए होंगे, इसको समझने की कोशिश करिए, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी वेरी इजी। देखिए करंट निकालना था, करंट निकल गया। सपोज करिए इसी सवाल में इसी प्रॉब्लम में करंट दे दिया होता, सपोज करिए, और भी निकालना होता तो भी निकालना हो तो भी इज इक्वल टू आई आर, सपोज करिए वी इज इक्वल टू आई वन एम्पियर दे दिया होता, सपोज करिए, तो यहां पर 1 × r जो इक्विवेलेंट आया है 10 आया था, तो वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। बस तो बात मेरा ये है कि आपको वी कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, दोनों सिचुएशन में आपको r इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए, और r इक्विवेलेंट निकालना बहुत कठिन नहीं है। बस ये देखना है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को पैरेलल की तरह जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बदल लीजिए और सीरीज कॉम्बिनेशन को सीरीज की तरह बदल लीजिए, बस बात खत्म हो गई। अब मैं एक सवाल और लगा रहा हूं, इसको ध्यान दें प्लीज, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। देखिए इसको मैं
सिर्फ आपको लगाने का तरीका बता दूंगा और लेकिन इसको मैं बस लगाना लगाऊंगा नहीं, कारण इसका कि टाइम बहुत खर्च होगा बस, और कोई रीजन नहीं है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जैसे जो भी है, ये देखिए सो मेनी रेजिस्टेंसेज कंबाइंड इन सर्किट, सो मेनी मतलब कई रेजिस्टेंसेज क्या है सर्किट में कंबाइंड है। अब बार बार मेरा ये कहना है कि जरा ध्यान दीजिए, ये जो है सपोज करिए ये जो है रेजिस्टेंसेज कंबाइंड मैं कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंसेज कंबाइंड है, ये ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है, निकालना है। वेरी आप सोच रहेंगे कि बहुत ही कम बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल सवाल है, नो ये क्रिटिकल नहीं है, मैं बार बार आपसे कह दे रहा हूं, हम इसको सबको 2 ओम मान ले रहे हैं। चलिए हमको लगाने, देखिए तरीका आपको बताना है, इस समय मैं बार बार कहूंगा कि इसको लगाने का जो है हम तरीका आपको बताते हैं। बहुत इजी सवाल है, ये मत सोचिएगा कि जो है थोड़ा भी कठिन सवाल है। सारे रेजिस्टेंसेज जो हैं ये 2 ओम के हैं, सारे रेजिस्टेंसेज 2 ओम के हैं। देखिए सारे रेजिस्टेंसेज 2 ओम के हैं, सारे रेजिस्टेंसेज 2 ओम के हैं। देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए ए और बी के बीच कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत इजी सवाल है, वेरी इजी। देखिए सवाल जब भी जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो सवाल को प्रॉब्लम को आपको वहां से पकड़ना है जहां से इजी सवाल हो जाए। अगर आपने शुरू में देख लिया तो सवाल क्रिटिकल हो जाएगा और आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए देखिए यहां से शुरू करिए। देखिए ये 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 भाई देखिए जित वहां से करंट फ्लो हो रहा है तो जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें भी जा रहा है, वही करंट इसमें भी, वही करंट इसमें भी, वही करंट इसमें भी, इन पांचों रेजिस्टेंसेज में सेम करंट फ्लो हो रहा है। इट मींस पांचों रेजिस्टेंसेज सीरीज में हैं, तो 2 2 2 2 2 मतलब कहने का ये टोटल जो रेजिस्टेंस है इसको सिंगल में बदल लीजिए, ये कितना हो गया 10 ओम, कितना हो गया 10 ओम। अब देखिए यहां पर यहां जो करंट आई होगी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ इधर गई कुछ, तो इसका मतलब दिस एंड दिस इज इन पैरेलल। तो आप इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज करिए आर इज इक्वल टू 2 × 10/2 + 10, तो ये जो है आर इज इक्वल टू 20/12, ये कुछ ना कुछ वैल्यू। देखिए ध्यान दीजिए मैं कहा था कि अगर कैलकुलेट करूंगा तो टाइम लगेगा, सपोज करिए ये 1 पॉइंट तो कुछ आया, मैं इसको टू मान लिया, तो देखिए इन दोनों का कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना आ गया, 1 पॉइंट कुछ आया था, बट हम इनको 2 मान लिए। कोई बात नहीं, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। तो देखिए फिर देखिए 2 2 2 ये 2 2 2 सीरीज में है, 2 2 2 सीरीज में है, तो ये टोटल जो है 6 ओम बन गया। कितना बन गया, देखिए ये टोटल जो है 6 ओम बन गया, टोटल 6 ओम हो गया। अब ये 2 और ये 6 जो है पैरेलल में होगा, ये 2 और ये 6 क्या होगा पैरेलल, देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये यहां भी आप 2 × 6/2 + 6 करेंगे तो 12/8, फिर देखिए ये पॉइंट में आ गया, 1 पॉइंट कुछ आ गया, ध्यान दीजिए। तो मेरा ये कहना है 1 पॉइंट कुछ, फिर मैं इसको 1 पॉइंट को फिलहाल 2 ही मान लूंगा,
क्यों? क्योंकि मुझे जो है आपको तरीका बताना है, आप अपने घर पे कैलकुलेट किया करिए। ये देखिए, ये जो ये दोनों कंबाइंड होकर के 1 पॉइंट कुछ आया है, बट इसको मैं 2 मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब फिर देखिए 2 2 2 ये क्या हो गया, फिर जो है सीरीज में हो गया, तो ये क्या हुआ, ये जो है आपका 6 ओम हो गया, कितना हो गया 6 ओम सीरीज में। फिर ये 2 और 6 जो है किसमें है, पैरेलल। तो जब इस दोनों को पैरेलल को कंबाइंड करेंगे आप, तो फिर 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। फिर मैं इसको 2 ही मान ले रहा हूं, फिर मैं इसको 2 ही मान ले रहा हूं। तो देखिए फिर 2 2 2 ये 6 ओम आ गया, 6 और 2 फिर जो है आपका किसमें है, पैरेलल में। ये जो है 6 हो गया और 6 और 2 किसमें है, पैरेलल में। तो यहां फिर जो है 1 पॉइंट कुछ आएगा। मैं इसको फिर बार बार, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं इसको फिर 1 पॉइंट न लिख करके फिर 2 ही ले रहा हूं। तो देखिए फिर ये 2 2 2 ये क्या हो गया, ये सीरीज में हो गया। जब ये सीरीज में हो गया तो ये इसको सिंगल रेजिस्टेंस 6 ओम लिख लेंगे। अब देखिए ये 6 और 2 फिर क्या हो गया, पैरेलल में। 6 और 2 क्या हो गया, पैरेलल में। तो इसका कंबाइंड जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहां भी फिर 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी है यहां 1 पॉइंट कुछ भी है, मैं इसको भी 2 माना। अब देखिए क्या हुआ, उधर से कैलकुलेट करते आया, यहाँ की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, यहाँ की वैल्यू कुछ आएगी। तो अब ये तीनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में होने के कारण जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। अब हम आज का जो है इसमें एक और प्रॉब्लम करना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इजी, मतलब आपको थोड़ा भी सोचना नहीं है, हम सवाल को कुछ भी ले रहे हैं, आपको हमें तरीका सिखाना है। देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि ये सपोज करिए इन्होंने कहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए सवाल को इजी मैंने कर दिया है, सपोज करिए यहां भी 2 2 2 2 2 2 2 2 2 सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, उससे देखिए फर्क नहीं पड़ता, आपको तरीका सीखना, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। देखिए यहां देखिए 2 2 2 2 ये 4 जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये चारों के चारों देखिए सीरीज में है, यहां से देखिए सभी में करंट सेम जा रही है। तो ये जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका कितना आ गया, 8 ओम, कितना आ गया 8 ओम। अब देखिए ये 2 और 8 जो है किसमें है, पैरेलल में, 2 और 8 पैरेलल में। तो R डैश इज इक्वल टू 2 × 8/2 + 8, तो R डैश इज इक्वल टू 16/10, तो ये आ गया 1.6। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आ गया हमारा 1.6। अब देखिए ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, तो टोटल इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 2 + 1.6 + 2, दैट इज योर 5.6 ओम, बस हो गया। तो आर इक्विवेलेंट आपका निकल गया, आर इक्विवेलेंट निकल गया। तो हमारे कहने का मतलब किसी भी प्रकार का, कोई भी टाइप का जो है आपका रेजिस्टेंस कंबाइंड हो, तो उनके जो है किस तरह से आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ये हमने बता दिया। देखिए
कभी भी अब इसी सवाल कि जितने सवाल मैंने प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व किए हैं उन सारे प्रॉब्लम में करंट भी निकालना कहेगा, करंट भी निकालने के लिए कहा जाएगा, भी निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और अगर उसको जो है करंट मान लीजिए कैलकुलेट कराना होगा तो भी की वैल्यू देगा। मेन है आर इक्विवेलेंट निकालना। तो मेरा ये कहना है कि इसको घर पर प्रैक्टिस कई टाइप मतलब डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम ले ले करके आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, आपका जो है फाउंडेशन जो है बनता चला जाएगा। इसके बाद मेरा अगला वीडियो जो होगा यही कहानी ऑन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज की होगी, जिसको जरूर देखें क्योंकि उसमें जो है कुछ डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जो कि मतलब इंटरमीडिएट लेवल का होगा। धन्यवाद।